छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बार योजना और गौधन योजना से लोगों को काफी फायदा हो रहा है और इसके तहत लोग अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। आपको बता दें कि नरवा गरवा घुरवा और बार योजना के ही तहत लोग जैविक खेती कर रहे हैं, तो वहीं गौधन योजना से गांव के चरवाहे गोबर खरीद कर कई गुना आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसमें मर्रा गांव के कई चरवाहों ने कुछ ही महीनों में 50 से 60 हजार रुपए कमा लिए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की योजना से लोगों को काफी हद तक फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार या कहिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये दो महत्वपूर्ण योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना। यह योजना कहने को तो दो है, लेकिन असल में यह एक दूसरे का ही पर्याय है, क्योंकि इस योजना के मूल में है गांव को सशक्त करना, ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ खेती को मजबूत करना। इन सब के लिए जरूरी है जैविक खेती, इन सब के लिए जरूरी है गौ पालन, गौ संरक्षण, इन सब के लिए जरूरी है परंपरागत घुरवा के माध्यम से खाद निर्माण, इन सब के लिए जरूरी है नरवा के माध्यम से जल संचयन, इन सब के लिए जरूरी है नदी तालाबों का संरक्षण। इसलिए भूपेश सरकार इन दोनों योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बहुत गंभीरता से जोर दे रही है। गांव-गांव में योजना के तहत गौठान निर्माण जारी है, जैविक खाद बनाने का काम जारी है, गोबर खरीदी जारी है, जैसा कि हम पाटन तहसील के मर्रा गांव में देख पा रहे हैं। राजधानी रायपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर यह है मर्रा गांव। इस गांव में नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत गौठान का निर्माण हो चुका है। गौठान के अंदर अभी भी कई निर्माण कार्य चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट के लिए टंकी निर्माण, गायों को रखने के लिए शेड निर्माण, बारी में चारा और सब्जी उगाने की तैयारी। सरपंच पालेश्वर ठाकुर का कहना है कि गौठान की व्यवस्था को पूर्ण करने के कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन इस दौरान खाद बनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अभी तक हम एक बार खाद बनाकर बेच भी चुके हैं, इससे पंचायत और स्व सहायता समूह को हजारों रुपए का लाभ भी हो चुका है। हमें फिर से खाद की सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, समूह के माध्यम से खाद बनाने का काम जारी है। वहीं सरकार की ओर से गौठान में वर्मी कंपोज के लिए 10 और टंकी निर्माण की स्वीकृति मिली है। आसपास के पंचायतों में हमारा पंचायत पहला है जिसने खाद का निर्माण भी किया और उसकी बिक्री भी हो गई। गौठान बनने के बाद पहला जो खाद हम लोग नाडेप में डाले थे बनाने के लिए, वो बनने के बाद उनको पहली बार हम बेचे हैं और जिसकी कीमत 8,000 रुपये समूह को और ग्राम पंचायत गौठान समिति को, दोनों को प्राप्त हुई है। तो ये हमारे लिए आसपास के क्षेत्र में अभी तक कोई नहीं बेच पाया है, लेकिन हम पहला ऐसा गौठान होगा जो खाद बनाने के बाद बेच भी चुके हैं। ये सबको देखते हुए सरकार ने अभी 10 नग वर्मी कंपोस्ट का और निर्माण कराने का स्वीकृति आदेश दिए हैं। कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है और इससे पहले 4 वर्मी टैंक और बना है और पुराना नाडेप था उनको भी वर्मी बनाने का आदेश हुआ है। तो ऐसे करके लगभग हमारे पास 20 वर्मी हो जाएगा, जिससे स्व सहायता समूह, गांव के लोगों को, पंचायत को भी, गौठान को भी ज्यादा आमदनी होगा, ऐसा मुझे लगता है। मर्रा में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम ही तीव्र गति से नहीं चल रहा है, बल्कि गौठान के माध्यम से गोबर खरीदी भी लगातार जारी है। गोबर खरीदी ने मर्रा के उन लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान की जिसके पास गौ पालन, गाय चराने का काम है। सरपंच पालेश्वर बताते हैं कि हमारे यहाँ 20 जुलाई से गोबर खरीदी का कार्य जारी है। अभी तक गांव में 2.5 लाख की खरीदी हो गई है। हमारे गांव में गोधन न्याय योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन जारी है। हमारी कोशिश यही है कि गांव के लोग गोधन के माध्यम से गौपालन और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। हमारे गांव में कई लोग हैं जो अब तक 50 से 60 हजार रुपए तक का गोबर बेच चुके हैं। गौठान का संचालन किया जा रहा है और बीते 20 जुलाई से ग्राम पंचायत मर्रा में गौठान के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी प्रारंभ हुई थी और आज की स्थिति में ऐसा है कि अब तक के किसान या गांव के लोग
2.5 लाख तक की राशि का गोबर विक्रय कर चुके हैं हम। अच्छे तरीके से खरीदी करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि आप इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनके बारे में सोचते हैं, चूंकि मर्रा का से उनको विशेष लगाव रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनका यह कृषि क्षेत्र है, यहाँ के स्कूल से उन्होंने पढ़ा है, कृषि महाविद्यालय का भी सौगात दिए हैं, उनका विशेष लगाव मर्रा से रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को हम अच्छे से क्रियान्वयन करें और काफ़ी आगे लेकर जाएं। लोगों में उत्साह की लहर है, कई में हमारे पास ऐसे भी कई किसान हैं जो 50,000-60,000 तक का गोबर अभी तक की स्थिति में बेच चुके हैं। सरपंच पालेश्वर जिन बातों को कह रहे हैं वह पूरी तरह से सच है। हमें गांव में वे दो व्यक्ति भी मिले जो अब तक 50,000 से अधिक का गोबर बेच चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको कामता प्रसाद से मिलवाते हैं। ये है कामता प्रसाद और ये कामता प्रसाद का टूटा फूटा मकान और ये है उनका परिवार। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कामता प्रसाद साहू गाय चराने का काम करते हैं, मतलब चरवाहे हैं। वे बीते कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं। इस काम में उन्हें साल में कुछ हजार रुपए की आय होती थी। कुछ रुपए गोबर बेचकर कमा लेते थे, लेकिन इतनी नहीं कि जितनी वे दो महीने में कमा चुके हैं। कामता प्रसाद बताते हैं कि बीते दो महीने में अब तक वे 50,000 रुपए का गोबर बेच चुके हैं। इस राशि का उन्हें भुगतान भी हो चुका है। कामता ने कभी भी इतनी राशि इकट्ठे एक साथ नहीं पाई थी। वे इसके लिए भूपेश सरकार का आभार जताते हैं। वे खुश हैं कि अब वे परिवार का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर सकेंगे। जल्द ही उन्हें पीएम आवास के तहत नया मकान भी मिल जाएगा। साल भर वर्दी चराव न तो वो है 30,000 हुए, तो यह दो महीना का है 50,000 होते। 50,000 रुपए के गोबर आप बेच चुके हैं। हाँ। कीमा अच्छा है, फायदेमंद है, चलाना चाहिए। हाँ चलाना चाहिए, हमारे तो फायदेमंद है। कैसे टाइप का मतलब? ये 30,000 के यानी पूरा 9 महीना गरवा गोबर ला 30,000 में बेचो, वो है 2 महीना में 50,000 होते। इसी तरह से ये है नागेंद्र यादव। नागेंद्र का एक छोटा डेयरी व्यवसाय है, गौपालन का काम करते हैं, यही उनका जीवन यापन का साधन है। फिलहाल वे मर्रा के गौठान में गोबर बेचने पहुंचे हैं। नागेंद्र का कहना है कि वे बीते कई वर्षों से बड़े किसानों को गोबर बेच रहे हैं, लेकिन जब तक गोधन न्याय योजना शुरू नहीं हुआ था तब तक वे प्रति ट्राली 1400 रुपए तक का गोबर बेचते थे, लेकिन जब से सरकार ने गोबर खरीदी योजना की शुरुआत की और गोबर प्रति किलो 2 रुपए किया, तब से अब वे 8,000 रुपए प्रति ट्राली गोबर बेच रहे हैं। अब तक वे 60,000 रुपए का गोबर बेच चुके हैं। मोला एकर से बहुत फायदा हुई, मोर घर खर्चा भी चला थे, किसानी भी हुई से, पैसा भी जमा होत मोर और गाय किस्त भी पटाए के काम आते। कैसे टाइप के फायदा हुई? माने ये गोबर इकट्ठा समझ एक साथ बेचाओ तो कम रेट में मिले और दूध डेयरी भी चलत रही से, खर्चा पानी बर किल्लत हुआ। अब ये गोबर के पैसा से मोर गाय मन बर भी डेयरी में उपयोग हो जाते, मोरो उपयोग होते, किसानी के भी उपयोग होते। पहली 1300-1200 रुपया ट्राली 1400 रुपया तक बेचते हैं लास्ट, अभी एक ट्राली 8,000 के बना थे। मैं एक बार 32,000 के बेचे हूँ और अभी 21,000 के 2 किस्त। वास्तव में सरकार की इन दो महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन जिस भी गांव में बेहतर ढंग से हो रहा है वहां पर एक क्रांतिकारी बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि हम मर्रा गांव में देख रहे हैं, गांव का युवा सरपंच सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। गाँव वाले नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना के तहत लाभ लेने में पीछे नहीं है। सरकार की कोशिश भी यही है कि इन योजनाओं के माध्यम से गांव आत्मनिर्भर, मजबूत और सशक्त बने, गांव के लोग प्रगतिशील और उन्नत बने, गांव में हरियाली हो, चारों तरफ खुशहाली हो। सहयोगी अखिलेश जायसवाल और कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।